Hello friends, welcome back to Lawmania with Manish. Today we will discuss the second part of the Indian Contract Act, that is introduction. So we will talk about introduction of Indian Contract Act 1872. तो इसमें हम लोग sections के बारे में बात करेंगे, कितने sections हैं total और जो हम लोग को आगे जाके पढ़ने हैं. तो it was enacted by Imperial Legislative Council, that is ILC. और ये काम करता था 1861 से लेके 1947 तक, जब तक अपना देश आजाद नहीं हुआ, ये जो है एक्टिव था. टोटल सेक्शंस कितने थे या हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट में? 266 सेक्शंस. इट इज डिवाइडेड इनटू 11 चैप्टर्स. टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 11. अब इसको हम लोग जो है सेक्शन वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज बात करते हैं. तो ये आपके जो 11 चैप्टर्स और टोटल 266 सेक्शंस हैं, वो किस तरीके से डिवाइडेड है वो इस वाले पार्ट में मैंने डिस्कस किया है. और ये लिख के रखा हुआ है सेक्शन 1 to 75, व्हिच कम्स अंडर चैप्टर 1 to 6, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जनरल प्रिंसिपल्स मतलब जो आम कॉन्ट्रैक्ट हमारे आपके जैसे लोग रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, ये उसके बारे में बात करता है. क्लियर? सेक्शन 76 to 123, जो कि चैप्टर 7 में आता था, वो है सेल ऑफ गुड्स. तो जो भी गुड्स की खरीद बेच हम लोग करते हैं उसके बारे में ये बात करता है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप. सेक्शन 124 to 147, चैप्टर 8 इंक्लूड्स इंडेमनिटी एंड गारंटी, व्हिच इज कंसीडर्ड एज स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो ये हो गया सेक्शन 148 to 181, चैप्टर 9 में आपका कवर होता है बेलमेंट एंड पेज. सेक्शन 182 to 238, चैप्टर 10 टॉक्स अबाउट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. सेक्शन 239 to 266, चैप्टर 11 टॉक्स अबाउट पार्टनरशिप. ये सारे टॉपिक्स हम लोग एक एक करके कवर करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको ये जानना जरूरी है कि पूरे सेक्शंस आपके जो अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइडेड है वो ये होते हैं. अब इसके बाद जो चेंजेस हुए बाद में आके, तो आप ये मांग करिए दिस पोर्शन, दिस चैप्टर एंड दिस टॉपिक. तो मतलब सेक्शन 76 to 123, जो चैप्टर 7 था सेल ऑफ गुड्स के बारे में बात करता था, इट वाज रिपील. रिपील का मतलब अलग किया गया और उसके लिए एक अलग से एक्ट बनाया गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट. इट केम इन द ईयर 1930. तो वो एक अलग एक्ट बना दिया गया जो कि सिर्फ गुड्स के खरीद और बेच से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है. फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं लास्ट वाला सेक्शन 239 से 266, जो कि चैप्टर 11 में आता था, वो अलग रिपील किया गया और उससे बनाया गया पार्टनरशिप एक्ट, विच केम इन द ईयर 1932. तो ये दोनों चीजें अलग की गई, रिपील की गई कॉन्ट्रैक्ट से, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता था. तो ये दोनों आपके अलग टाइप के टॉपिक हो गए. और उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट में बचा क्या ये रिपील करने के बाद. तो हमने एक यहाँ पे बात की है कि ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में, दो अलग अलग पार्ट में, अब कॉन्ट्रैक्ट में क्या बचा हुआ है. तो वो है कि डील्स विद द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आपका पहले यहां पे भी था. सेक्शन 1 to 75, चैप्टर 1 to 6, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कवर करता है. और अब पार्ट 2 में बचा क्या, वो ये है कि इट डील्स विद द स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. स्पेशल में क्या क्या आते हैं, जो यहाँ पे दिए हुए थे वही है. सेक्शन 124 to 147, चैप्टर 8 इंडेमनिटी एंड गारंटी. सेक्शन 148 to 181, चैप्टर 9 पेमेंट एंड प्लेज. लास्ट है 182 to 238, चैप्टर 10 टॉक्स अबाउट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, जो कि इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि टोटल कितने सेक्शंस हैं, कितने चैप्टर्स हैं, वो कैसे डिवाइडेड है. और ये याद रखिएगा कि दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन वाज रिपील्ड इन द ईयर 1930 एंड 1932 रिस्पेक्टिवली, एंड इट बिकेम सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. आशा करता हूं कि आपको ये अच्छा लगा होगा चैप्टर और ये समझ में आया होगा. प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. थैंक यू. कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग लॉ मीनिया विद मनीष.